ये गाना सुनते ही आंखों के सामने बरबसी एक भोली भाली सूरत तैरने लगती है जो बेहद ही खूबसूरत थी। प्यार की छांव में बिठाए रखना सांवले सलोने चेहरे पर झील की तरह खूबसूरत आंखें जिनमें हर कोई डूब जाना चाहे। तेरे होठों के प्याले से जो छलके तो गोरी जाते हैं हम तो उस जल। वाकई इस अभिनेत्री की आंखों में ऐसा ही जादू था। तभी जमाना उन्हें सुनैना के नाम से बुलाने लगा था। सुनैना सुनैना मैं बस तुम्हें देखते हुए देख। इस अदाकारा ने उस दौर के नौजवानों के दिलों को ऐसा लूटा कि हर नौजवान उनके जैसी ही दुल्हन तलाशने लगा। आपका हाथ मिला, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पहली फिल्म से सुपरस्टार बनने वाली इस अदाकारा की जिंदगी की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। जिस प्रोडक्शन हाउस ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया था उसी प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें वापस बुलाकर चार चार फिल्में साइन करवाईं। लेकिन पहली ही फिल्म ब्लॉकबस्टर होने के बावजूद इनके फिल्मी करियर पर ग्रहण कैसे लग गया? इस अदाकारा के साथ एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ कि इन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ गया? आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी जिन खूबसूरत आंखों की वजह से इन्हें फिल्में मिली उन्हीं आंखों की वजह से इंडस्ट्री ने इनसे किनारा कर लिया। आज हम बात करने जा रहे हैं अभिनेत्री रामेश्वरी की, जिनकी खूबसूरती के लाखों दीवाने आज भी उन्हें याद करते हैं। लेकिन कैसे रामेश्वरी आंधी की तरह आई और बिजली गिराकर गुम हो गईं? आखिर क्यों इन्हें लीड रोल करते करते साइड हीरोइन, माँ और बहन के किरदार करने पड़े? जब तक है चंदा, जब तक है चंदनिया, मैं बनूं अपने सजन के सजनिया। जानेंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए फिल्मटेनमेंट के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। रामेश्वरी का जन्म 6 जनवरी 1958 को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ था। इनका पूरा नाम तल्लूरी रामेश्वरी था। रामेश्वरी बचपन से ही बेहद खूबसूरत थीं और लोग उन्हें एक्ट्रेस राजश्री की हम शक्ल मानते थे। बड़े होकर जब रामेश्वरी की फिल्मों में एंट्री हुई तो जादुई तरीके से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई। रामेश्वरी के रूप में हिंदी सिनेमा को एक ऐसा हीरा मिल चुका था जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई थीं। अपनी सादगी और कैरेक्टर में डूब कर अभिनय करने वाली रामेश्वरी को पहली फिल्म मिलने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। क्या लिखूं, कैसे लिखूं, लिखने के भी काबिल नहीं। दरअसल रामेश्वरी के पिता भास्कर तल्लूरी एक सरकारी कर्मचारी थे और माँ हाउसवाइफ थीं। रामेश्वरी की बड़ी बहन डॉक्टर थीं, इसीलिए रामेश्वरी से भी उनका परिवार इसी तरह की उम्मीद रखता था। लेकिन एक दिन रामेश्वरी के घर के पास एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग देखकर रामेश्वरी ने दिल ही दिल में ये पक्का कर लिया कि उन्हें हीरोइन ही बनना है। और उन्होंने स्कूलिंग पूरी करने के बाद बिना पिता को बताए पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। लेकिन उन्हें हिंदी भाषा का ज्ञान न होने के कारण बहुत मुश्किलें आ रही थीं। अब रामेश्वरी को लगने लगा था कि हिंदी फिल्मों की हीरोइन बनने का उनका सपना सपना ही रह जाएगा और उन्होंने इंस्टीट्यूट छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन तभी उनके पिता ने उन्हें हिंदी सिखाने वाली किताबों का कोर्स लाकर दिया और कहा कि तुम्हें एक्टिंग स्कूल का कोर्स हर हाल में पूरा करना है। और आखिरकार रामेश्वरी ने कड़ी मेहनत करके हिंदी सीख ली और फिल्म
इंस्टीट्यूट का कोर्स पूरा करने के बाद रामेश्वरी मुंबई आ गईं। एक दिन उन्हें पता चला कि राजश्री प्रोडक्शन अपनी किसी नई फिल्म के लिए हीरोइन का ऑडिशन ले रहा है, इसीलिए रामेश्वरी भी ऑडिशन देने चली गईं, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। पर अचानक एक दिन राजश्री प्रोडक्शन के किसी मेंबर ने फिल्म इंस्टीट्यूट के एक वीडियो में रामेश्वरी का काम देखा तो उन्हें लगा कि रामेश्वरी ही उनकी फिल्म के लिए परफेक्ट हीरोइन है और रामेश्वरी को कॉल करके बुलाया गया और एक नहीं बल्कि चार चार फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया। हालांकि इनमें से एक फिल्म कभी बन नहीं पाई और इस तरह दुल्हन वही जो पिया मन भाए उनकी पहली रिलीज फिल्म रही, जो साल 1977 में रिलीज हुई और सिनेमाघरों में आते ही छा गई। ये फिल्म न केवल उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हुई बल्कि सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाकर इस फिल्म ने रामेश्वरी को रातों रात स्टार भी बना दिया। पहली ही फिल्म में रामेश्वरी की सादगी से भरी बेहतरीन अदाकारी को लोगों ने इतना पसंद किया कि लोग उन्हें वैजयंती माला, वहीदा रहमान, जया बच्चन, रेखा और हेमा मालिनी सरीखी हीरोइनों से कंपेयर करने लगे थे। इसके बाद उनकी दो और फिल्में आई जो जबरदस्त हिट रहीं। ये फिल्में थीं मिथुन चक्रवर्ती के साथ मेरा रक्षक और जितेंद्र के साथ आशा। इसके अलावा उनकी कुछ और प्रमुख फिल्मों की बात की जाए तो उनमें सुनैना, मान अभिमान, साजन मेरे मैं साजन की, अग्नि परीक्षा, शारदा, आदत से मजबूर, वक्त वक्त की बात, एक नया इतिहास, मान मर्यादा, मुझे कसम है और भाई का दुश्मन भाई जैसी फिल्में शामिल हैं। अपने करियर में ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही रामेश्वरी के साथ फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेहनत, हुनर और हुस्न के बावजूद उनके करियर का ग्राफ अचानक पलट गया। दरअसल साल 1979 में नसीरुद्दीन शाह के साथ उनकी एक फिल्म आई थी सुनैना। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इनकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। हुआ यूं कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान रामेश्वरी घोड़े पर बैठकर शॉट दे रही थी, तभी वो घोड़े से गिर पड़ी और कोई नुकीली बारीक चीज उनकी आंख में जा लगी जिससे उनकी एक आईलिड बीच से फट गई। आश्चर्य की बात यह है कि आंख के अलावा उन्हें शरीर में कहीं भी एक खरोच तक नहीं आई। शूटिंग तुरंत रोक दी गई और रामेश्वरी को आंखों के इलाज के लिए विदेश भेज दिया गया, जहां उनका कई महीनों तक इलाज हुआ और उनकी आंखों की सर्जरी भी की गई। खुशी की बात यह रही कि उनकी आंख बिल्कुल ठीक हो गई। विदेश से आने के बाद उन्होंने सुनैना फिल्म की शूटिंग पूरी की और ये फिल्म भी ज़बरदस्त कामयाब रही, लेकिन सर्जरी के बाद उनकी एक आंख कुछ छोटी दिखने लगी थी और यही उनके करियर पर ग्रहण की तरह साबित हुई। जिन आंखों के लिए बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए लाइन लगाए खड़े थे, वहीं अब रामेश्वरी से किनारा करने लगे। उन्हें अब काम मिलना कम हो गया था, कुछ फिल्मों में तो उन्हें रिप्लेस तक भी कर दिया गया। इसके अलावा अब उन्हें साइड हीरोइन के रोल ऑफर होने लगे। ये फिल्में भी कामयाब तो हुईं, लेकिन उन्हें पहली फिल्म जितनी कामयाबी नहीं मिली, इसीलिए रामेश्वरी अब समझ चुकी थीं कि हिंदी फिल्मों में करने के लिए उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है और उन्होंने साउथ की ओर रुख कर लिया और बहुत सी हिट फिल्मों में काम किया। साल 1987 में रामेश्वरी ने पंजाबी फिल्मों के निर्माता और अभिनेता दीपक सेठ से शादी कर ली। रामेश्वरी के दो बेटे हैं जिनके नाम सूर्या और भास्कर सेठ हैं। फिल्मों में काम करने के बाद रामेश्वरी ने कई टीवी शोज में भी काम किया। आज फिल्मों से दूर रामेश्वरी एक सफल बिजनेस वूमेन बन चुकी हैं और करोड़ों की मालकिन हैं। रामेश्वरी ने नीमली नेचुरल्स के नाम से अपना एक ब्रांड शुरू किया जिसमें नेचुरल स्किन केयर और अरोमा थेरेपी के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। फिल्मटेनमेंट की पूरी टीम रामेश्वरी जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। रामेश्वरी जी के बारे में अपने विचार
और उन पर फिल्माया गया आपका सबसे पसंदीदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।